हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको जर्दा पुलाव बनाना बताऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले पुलाव बने हैं। इनको मीठे चावल भी बोलते हैं। ये हम किसी घर में कुछ ओकेजन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें हम बनाने के लिए हमको ये चावल लेंगे। ये सेला चावल है, आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने ये भिगो के रखा है 1 घंटे पहले। ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं। इनको हम छान लेंगे पानी से, इसको हटा देंगे। इसको मैंने पानी से हटा दिया है। ये मैंने 1 घंटे पहले 2-3 पानी इसको अच्छे से धो के फिर पीने वाले पानी में इसको भिगो के रखा था। और बाकी इंग्रेडिएंट्स में जितना हम चावल लेंगे उतना ही चीनी लेंगे, या उससे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। अगर मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा कम लीजिए। और ये बादाम है, काजू, और ये थोड़ी से सूखे मसाले हैं, लौंग है, छोटी इलायची, और ये दालचीनी, तेज पत्ता, और ये किशमिश, और ये सूखी वाली नारियल है, इनको लंबा लंबा काट लिया है, और घी। इनका पुलाव का टेस्ट घी में ही अच्छा लगता है, तेल में नहीं। तो अब हम पुलाव बनाएंगे। आज हम पुलाव कुकर में बनाएंगे। वैसे ये जर्दा पुलाव खुला पकाया जाता है, लेकिन हम आज कुकर चढ़ा दिया। इसमें हम 3-4 चम्मच घी डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे थोड़ा। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें ये बादाम, काजू, ये दोनों को पहले फ्राई कर लेंगे। इसका हल्का सा कलर आ जाएगा, निकाल लेंगे फिर हम। तो काजू बादाम में देखिए हल्का सा कलर आ गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, या फिर हम इसी के साथ में ये जो हमने गरी काटी थी और किशमिश ये भी डाल के बस 3-4 सेकंड के लिए ऐसे फ्राई करके और निकाल लेंगे इसको। ये देखिए हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट सारे निकाल लिए, तो घी अभी काफी है, अगर कम हो तो उसमें और डाल लीजिए। तो अब हम इसमें तेज पत्ता और ये बाकी सब जितने हमने मसाले लिए ये डाल देंगे, और इसी के बाद हम तुरंत ये थोड़ा सा हो जाएगा, फिर इसके बाद हम चावल डाल के फ्राई कर लेंगे थोड़ा। हम जब कढ़ाई में बनाएंगे तो चावल को ऐसे पका लेंगे खुला हुआ, बिना छौंक लगाए ऐसे पानी में डाल के पका लेंगे। थोड़ा सा उसमें कलर डाल देंगे, येलो फूड कलर, इसे पुलाव में अच्छा कलर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम चावल को 80% या 90% पकाएंगे, फिर उसके बाद हम दम पे पकाते हैं। और बट कुकर में हम पूरा पहले से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बंद करके पानी वगैरह डाल के तब बनाते हैं। तो चावल फ्राई हो गए हैं, देखिए। अब हमने चावल जिस कटोरी से बाउल से नाप के लिया है उसी बाउल से नाप के हम पानी डालेंगे। तो मैंने इसी बाउल से लिया था, तो एक और 3/4 कटोरी और डालेंगे। कुकर बंद करने से पहले हम 1/4 कटोरी पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर लेंगे और मिक्स करके पुलाव में डाल देंगे। और साथ में हम थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे, जिससे उसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। तो चावल का जस्ट डबल पानी हो गया। पानी चावल से थोड़ा सा इतना सा ऊपर होना चाहिए। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसमें हम 2 सीटी लगा के इसको हम पका लेंगे। और अपने आप ही इसको हम इसकी स्टीम खुलने देंगे। जब तक स्टीम इसकी नहीं निकल जाती है तब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। तो 2 सीटी आ गई, गैस हम बंद कर देंगे और इसका स्टीम आने से खत्म होने तक इंतजार करेंगे इसका। ये देखिए अब स्टीम इसमें से निकल गई है, इसको हम खोलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हमने इसमें पहले इसलिए नहीं डाली थी कि अगर हम चीनी डाल के पकाते तो चावल टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए हम बाद में डालते हैं। अब चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से, जिससे चावल टूटे नहीं। तो इसको ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से मिक्स करके, और साथ में ही ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको भी मिक्स कर देंगे और गैस ऑन करके
और फिर से इसको चढ़ा देंगे गैस पे कुकर को ढक्कन बंद करके। एकदम स्लो फ्लेम पे इसको हम 5 मिनट करीब ऐसे पका लेंगे, फिर उसके बाद गैस बंद करेंगे। इसमें हमको स्टीम नहीं बनने देनी है, स्टीम अगर बनती है तो इसको ऐसे सीटी उठा देंगे जिससे स्टीम इसकी हट जाएगी। छह सात मिनट करीब हो गया, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम को खुलने देंगे। देखिए अभी स्टीम निकल गई है कुकर से, और इसको हम खोलेंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे पुलाव बने हैं, आप भी इसी तरह बनाइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ा सा इसको और गार्निश कर देंगे ऐसे। इसमें ये गरी जो होती है फ्राई और बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे तो कलरफुल हो जाएगा। ये देखिए कितने खिले खिले पुलाव बने हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ये लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।